नमस्कार दोस्तों, आज हम डिफरेंस देखेंगे रैम और रोम के बीच में। रैम और रोम आपको आपके पर्सनल कंप्यूटर में या पर्सनल लैपटॉप में दिखेगा, तो अभी देख लेते हैं डिफरेंसेस क्या हैं। रैम की जो फुल फॉर्म होती है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रैम वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का क्या मतलब होता है कि जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है तो डाटा रिटेन रहेगा, जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी तो सारे का सारा डाटा लॉस हो जाएगा। ये डाटा मेंटेन नहीं करता है जब इसमें पावर नहीं होती है। रोम नॉन वोलेटाइल नेचर होता है, जब पावर चली भी जाए जो डाटा इसमें है वो स्टोर रहता है। तो रैम जो होता है वो इन्फॉर्मेशन को टेम्पररी स्टोर करता है, रोम परमानेंटली स्टोर करता है डाटा को। रैम को कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए डाटा को रिटेन करने के लिए। तो अगर हम रोम की बात करें तो हमें कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए डाटा को रिटेन करने के लिए। रैम का साइज़ बड़ा होता है और इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अगर हम रोम की बात करें तो इसका साइज़ जो होता है वो छोटा होता है और इसकी कैपेसिटी कम होती है। रैम हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, रीड करने के लिए भी, राइट करने के लिए भी। रोम में एक बार डाटा डाल दिया जाता है, फिर हम उससे सिर्फ रीड करते हैं। रैम कॉस्टलियर होती है, रोम चीपर होती है। रैम जो होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है जब ये ऑपरेशन में होती है। रोम भी फास्ट होती है बट ये बहुत ज़्यादा कम पावर यूज़ करती है जब ये ऑपरेशन में होती है। रैम के यूज़ क्या हैं? रैम सीपीयू कैशे में यूज़ होता है या प्राइमरी मेमोरी में यूज़ होता है। रोम को हम यूज़ करते हैं फर्मवेयर में या माइक्रो कंट्रोलर में। सो होप नाउ यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। थैंक यू वेरी मच।